सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं एक साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म के बारे में जिसका नाम है पाम स्प्रिंग्स। और इस फिल्म की कहानी बहुत ही विचित्र है। इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग एक टाइम लूप में फंस जाते हैं। उसके बाद उनकी जिंदगी में एक ही दिन बार बार रिपीट होते रहता है और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो इस टाइम लूप को कैसे तोड़े। तो आगे कहानी में हम इसी के बारे में जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक खाली जगह देखने को मिलता है। तभी वहाँ पे भूकंप आ जाता है और फिर भूकंप की वजह से जमीन में दरारें पड़ जाती हैं और उन्हीं दरारों के बीच हमें एक रोशनी दिखाई पड़ती है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं और इस लड़के का नाम है नाइल्स। और नाइल्स अपने गर्लफ्रेंड के रिलेटिव के शादी में आया हुआ है और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम है मिस्टी। और जब ये दोनों बातें करते हैं तो इनकी बातों को सुन के ऐसा लगता है कि ये दोनों अब एक दूसरे से बोर हो चुके हैं। इसीलिए मिस्टी यहाँ पे नाइल्स के साथ इंटीमेट तो होती है लेकिन कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है उनके बीच। और फिर हमें पता चलता है कि ये सारे गेस्ट जिस शादी के लिए यहाँ पे आए हैं वो शादी आज ही है, यानी कि नवंबर 9 को। तभी फिर से हम नाइल्स को देखते हैं जो कि अभी स्विमिंग पूल में है। और नाइल्स का रवैया सारी चीजों को लेकर के बहुत कैजुअल है। इसीलिए जब एक आदमी उससे कहता है कि आज का दिन खास है तो वो कहता है कि नहीं, आज कल परसों सारे दिन तो एक ही है। और नाइल्स ऐसा क्यों कहता है इसके बारे में हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। और फिर थोड़े समय के बाद हमें शादी देखने को मिलता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि दूल्हा दुल्हन दोनों बहुत खुश हैं। तभी यहाँ पे हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम है सेरा और वो दुल्हन की बहन है, लेकिन वो शादी में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही। और फिर शादी के बाद रात में रिसेप्शन होता है और सारे लोग यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन के लिए कुछ प्यारी बातें कह रहे होते हैं। तभी मिस्टी सेरा को भी इनवाइट करती है कि वो भी अपनी बहन के बारे में कुछ चंद शब्द कहे, लेकिन सेरा को देख के लगता है कि वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कहना चाहती, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती खड़ी हो रही होती है। तभी वहाँ पे नाइल्स आ जाता है और अपनी स्पीच देने लगता है और नाइल्स को देखने के बाद सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कौन है। लेकिन नाइल्स इतनी प्यारी स्पीच देता है कि वो स्पीच सबको पसंद आती है। फिर इस पार्टी के सारे लोग नाइल्स को पसंद करने लगते हैं, लेकिन नाइल्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी ही दुनिया में मग्न रहता है। और इसी बीच में वो सेरा को डांस के लिए अप्रोच करता है और इसी तरीके से उन दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं। और उनकी बातें चली रही होती है तभी वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला आती है और वो नाइल्स की तारीफ करती है और कहती है कि मैंने इससे बढ़िया स्पीच अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुनी। और इतना कहने के बाद वो महिला वहाँ से चली जाती है, लेकिन इस बात को सुनने के बाद सेरा और भी आकर्षित हो जाती है नाइल्स के प्रति। तभी नाइल्स उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मिस्टी चीट कर रही है उसे। और इस बात की पुष्टि के लिए नाइल्स सेरा को लेकर के उस जगह पे जाता है जहाँ पे मिस्टी एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही होती है। और ये देखते ही सेरा कहती है कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि वो गलत कर रही है। लेकिन नाइल्स कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसीलिए मैं उसके साथ जबरदस्ती का कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। और सेरा को ये बात बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद हमें ये दोनों इंटीमेट होते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद जब नाइल्स अपने कपड़े उतार रहा होता है तभी उसके पीठ पे एक तीर आके लग जाता है और ये देखते ही नाइल्स वहाँ से भागने लगता है और सेरा चिल्लाने लगती है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि नाइल्स का पीछा कर रहा है और उस पर हमला कर रहा है। और नाइल्स इसका नाम रोय बताता है। और थोड़ी देर पीछा करने के बाद वो आदमी एक गुफा के अंदर घुस जाता है जिसके अंदर से एक लाल रंग की रोशनी आ रही होती है। और उसके थोड़े समय के बाद नाइल्स भी उस गुफा के अंदर जाने लगता है। तभी वो सेरा को देखता है और सेरा को देखते ही कहता है कि यहाँ मत आना, लेकिन सेरा उसकी बात नहीं मानती और उसके पीछे पीछे इस गुफा के अंदर चली आती है। तभी नाइल्स उस लाल रोशनी की तरफ खींचा हुआ चला जाता है और उसके बाद फिर वो उसी जगह पे जगता है जहाँ पे हमने फिल्म की शुरुआत में उसे जगते हुए देखा था। और वही सारी चीजें फिर से रिपीट होने लगती है और मिस्टी उससे वही शब्द फिर से कहती है। और फिर हमें पता चलता है कि आज का डेट है नवंबर 9, यानी कि दिन की शुरुआत फिर से हो चुकी है। तभी हम एक और सरप्राइजिंग चीज देखते हैं। जब नाइल्स स्विमिंग पूल में होता है तभी वहाँ पे सेरा आती है और वो उस पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया है। और सेरा के चिल्लाने का मतलब ये है कि वो भी रात में उस गुफा के अंदर गई और उसके बाद वो भी इस टाइम लूप में अब फंस चुकी है, इसीलिए वो नाइल्स लड़ रही होती है और इस बारे में पूछ रही होती है। तभी हम तेला को देखते हैं जो कि दौड़ती हुई सेरा की तरफ आ रही होती है ये कहने कि उसकी शादी जल्दी ही शुरू होने वाली है, इसलिए वो तैयार हो जाए। तभी उसका पैर फिसलता है और उसके बाद उसके आगे के दो दांत टूट जाते हैं और फिर यहाँ की सारी चीजें अस्त व्यस्त होने लगती है, जिसे देखने के बाद सेरा और भी परेशान हो जाती है
और फिर वो पहुंचती है नाइल्स के पास और कहती है कि मुझे अभी के अभी समझाओ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब नाइल्स उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि तुम इस टाइम लूप के अंदर फंस चुकी हो और अब एक ही दिन बार बार रिपीट होता रहेगा और ये दिन कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर तुम पूरे दिन को जी लोगी फिर रात के बाद यही सुबह आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारी मौत हो जाती है फिर भी तुम उसी सुबह में वापस पहुंच जाओगी। और ये सब सुनते ही सेरा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और भागती हुई पहुंचती है उस गुफा के पास। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी जब उसे वो गुफा नहीं मिलता तभी वो देखती है कि नाइल्स भी इसके पीछे पीछे यहाँ पे आ चुका है और कहता है कि तुम्हें वो गुफा अभी नहीं मिलेगी, मैं बताऊंगा तुम्हें कब मिलेगी। और उसके बाद वो चुटकी बजाता है और तभी यहाँ पे एक भूकंप आता है और नाइल्स को इस एग्जैक्ट टाइम के बारे में पता था क्योंकि वो यहाँ पे पहले बहुत बार आ चुका है और ये घटना उसके साथ पहले बहुत बार हो चुकी है। और नाइल्स बताता है कि हर रोज इसी समय यहाँ पे एक भूकंप आता है और इस भूकंप के बाद उस गुफा में एक पोर्टल खुलता है जिस पोर्टल में जाने के बाद हम इस टाइम लूप में फंस चुके हैं। और ये बात सुनते ही सेरा फिर से भागती है गुफा की तरफ क्योंकि उसे लगता है कि अगर उस गुफा में जाने के बाद उसके साथ ये हुआ है तो अगर वो फिर से वहाँ चली जाए तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेरा जैसे ही उस गुफा के अंदर घुसती है वो फिर से अपने बिस्तर पे उठती है और दिन वही होता है यानी कि नवंबर 9। और ये सब देखते ही सेरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर सेरा यहाँ से बहुत ही दूर निकल जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो इस जगह से दूर चली जाए तो इस लूप से उसका पीछा छूट सकता है। इसीलिए वो पूरे दिन गाड़ी चला करके अपने होम टाउन पहुंचती है और अपने घर जा करके सो जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख फिर से खुलती है वो अपने आप को उसी कमरे में पाती है और फिर से वही दिन होता है। उसके बाद सेरा पहुंचती है नाइल्स के पास और उसे लेकर के रोड पे जाने लगती है और तब कहती है कि अगर हम लोग यहाँ पे मर जाएं तब क्या ये टाइम लूप खत्म हो सकता है। लेकिन नाइल्स कहता है कि नहीं, मैं ये चीज बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ और मरने के बाद भी आप उसी दिन की शुरुआत में पहुंच जाते हैं। मगर ये सब जानने के बाद भी सेरा इस चीज को ट्राई करना चाहती है। तब नाइल्स कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम ट्राई करना चाहती हो तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रास्ता चुनो जिसमें मौत जल्दी हो क्योंकि इसमें दर्द असली वाला होता है। और फिर सेरा अपनी गाड़ी को ले जा करके एक ट्रक से टकरा देती है और उसके बाद ये दोनों लोग मर जाते हैं और फिर से दिन की शुरुआत हो जाती है और समय ऐसे ही बीतते जाता है। और एक दिन सेरा नाइल्स से पूछती है कि उस दिन जिस आदमी ने तुम पे हमला किया था वो आदमी कौन था। तब नाइल्स उस आदमी के बारे में बताता है और कहता है कि उसका नाम है रोय और रोय भी मेरी वजह से ही इस टाइम लूप में फंसा है। और फिर नाइल्स बताता है कि आखिर वो टाइम लूप में कैसे फंसा। एक दिन पार्टी के दौरान नाइल्स की मुलाकात हुई रोय से और थोड़े ही समय में दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। उसके बाद दोनों ने बहुत सारा ड्रग्स लिया और दोनों ने जम के मजे किए और दोनों उस समय बहुत ही नशे में थे। और इसी नशे की हालत में रोय नाइल्स से कहता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है, काश ये दिन बार बार आता। और ये सुनने के बाद नाइल्स रोय को उस गुफा के बारे में बता देता है और उसे उस गुफा में लेके भी चला जाता है। उसके बाद रोय बिना कुछ सोचे समझे उस रोशनी की तरफ चला जाता है और तब से वो भी इस टाइम लूप में फंसा हुआ है। और जब रोय को ये बात पता चली कि वो एक टाइम लूप में फंस चुका है और एक ही दिन अब उसकी जिंदगी में बार बार रिपीट होता रहेगा, तब से वो मुझे इस बात का जिम्मेवार मानता है और वो कितनी बार मुझे सजा दे चुका है और हमेशा ही वो मुझे अलग अलग तरीके से टॉर्चर करके मारता है और उसका कोई भी समय निर्धारित नहीं है, उसका जब मन होता है तब वो आता है और मुझे मार के चला जाता है। और यहाँ के बाद से नाइल्स और सेरा की नजदीकियाँ बढ़ने लगती हैं और दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और सेरा नाइल्स से पूछती है कि वो इस पार्टी के किन किन लड़कियों के साथ सो चुका है, क्या ये दोनों लोग पहले इंटीमेट हो चुके हैं। और नाइल्स कहता है कि नहीं, हम दोनों कभी भी नजदीक नहीं आए। लेकिन नाइल्स यहाँ पे इस पार्टी के बहुत सारी लड़कियों का नाम लेता है और उसके साथ साथ कुछ लड़कों के भी। उसके बाद ये दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर इस झंझट से बाहर कैसे निकला जाए। तब थोड़ा सोचने के बाद सेरा कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब कर्मा है और अगर हम कुछ अच्छा काम करें तो हम इस चीज से बाहर आ सकते हैं। लेकिन नाइल्स इन बातों से एकदम से मुकर जाता है, लेकिन सेरा नहीं मानती और वो कुछ अच्छा करने निकल पड़ती है और फिर तला के शादी के वक्त उसके कान में अपना कुछ राज बताती है जिसे सुनने के बाद तला रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद नाइल्स कुछ भी नहीं समझ पाता है, इसलिए वो सेरा से पूछता है कि आखिर उसने अपनी बहन के कान में क्या कहा, लेकिन सेरा उसे कुछ भी नहीं बताती। और फिर इनका समय ऐसे ही बीतते जाता है और धीरे धीरे ये लोग इस चीज को एंजॉय करने लगते हैं। रोज सुबह जगने के बाद सेरा नाइल्स के कमरे में आती है और उसके बाद ये अपना दिन भर एंजॉय करते हैं और ये लोग किसी भी जगह जाते हैं और कुछ भी करते हैं क्योंकि इनके दिल में किसी तरीके का कोई भी खौफ नहीं है। और उसके साथ साथ ये लोग बहुत ही अलग अलग तरीके की चीजें ट्राई करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम मर जाएंगे, लेकिन मरने के बाद भी हमारे दिन की शुरुआत वहीं से होगी। इसीलिए ये लोग प्लेन चलाने की भी कोशिश करते हैं जिसका अंत में क्रैश हो जाता है और ये मर जाते हैं और इनकी दिन की शुरुआत फिर से हो जाती है।
और फिर समय ऐसे ही चलते जाता है और थोड़े समय के बाद ये लोग उसी गुफा के पास एक टेंट लगाते हैं और रात में बैठे होते हैं और उनकी प्यार भरी बातें चल रही होती है। और इसी बीच हमें देखने को मिलता है कि सारा नाइल्स के प्रति आकर्षित हो रही है, इसीलिए रात में टेंट में जाने के बाद सेरा नाइल से कहती है कि उन दोनों को अब इंटीमेट होना चाहिए। और सेरा ये भी कहती है कि हम पुरानी बातों को भूल जाएंगे जब हमने वादा किया था कि हम दोनों कभी एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों इंटीमेट होते हैं और दोनों में एक कनेक्शन बनता हुआ नजर आता है। और अगली सुबह सेरा बहुत ही खुशी के साथ उठती है, तभी उस कमरे में हम तेला की फियोंसी को देखते हैं, यानी कि तेला के होने वाले पति को। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सेरा शादी से एक रात पहले उसके साथ थी और सेरा ने यही बात तेला के कान में कहा था, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गिल्ट है और उसके लिए हर रोज इस कमरे में उठना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए सेरा इस चीज से परेशान हो जाती है और आज वो नाइल से मिलती भी नहीं है। लेकिन जब अगली बार मिलती है फिर भी उसका मूड ऑफ रहता है और अपना मूड ठीक करने के लिए वो पुलिस से छेड़खानी करने लगती है। और जब पुलिस की गाड़ी उसके करीब आती है तब वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये आदमी मुझे किडनैप करके लेकर के जा रहा है और ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। तभी वो पुलिस वाला बाहर आता है और हमें पता चलता है कि ये पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि रॉय है। और रॉय फिर से नाइल्स को मारने ही वाला होता है, तभी सेरा उस पे गाड़ी चढ़ा देती है। और इसके बाद यहाँ पे असली पुलिस आ जाती है और इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। तब नाइल सेरा से कहता है कि तुम अपनी बचकानी हरकतें कब बंद करोगी, माना कि हमारे दिन की शुरुआत फिर से हो जाएगी, लेकिन अभी हम जो झेल रहे हैं वो सच है, वो रियल है, हमारे साथ जो भी हो रहा है हम उसे महसूस कर पा रहे हैं। तब सेरा कहती है कि हम अभी मर के इस चीज को खत्म कर देते हैं। इस बात पे नाइल्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हर बार मरना आसान नहीं है, मरने पे जो दर्द होता है वो असली होता है। और इसी गुस्से में वो सेरा से कहता है कि तुम्हें पता है जब तुम इस टाइम लूप में नहीं आई थी उससे पहले हम बहुत बार इंटीमेट हो चुके हैं। और ये बात सुनते ही सेरा को बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि नाइल्स ने उसे धोखा दिया है और जो कुछ दिन पहले इनके साथ हुआ वो पहली बार नहीं था। इसीलिए वो तुरंत ट्रक के सामने आ जाती है और उसके बाद इनकी दिन की शुरुआत फिर से हो जाती है। और अगले दिन नाइल्स जैसे ही जगता है उसे बुरा लगता है और उसे लगता है कि उसे सेरा को सॉरी कहना चाहिए, इसीलिए वो सेरा के पास जाता है लेकिन वहाँ पे सेरा नहीं होती है। वो उसे पूरे घर में ढूंढता है, वो उसे नहीं मिलती, यहाँ तक कि वो उसके माँ बाप से भी पूछता है लेकिन उन्हें भी नहीं पता होता कि आखिर सेरा कहाँ पे है। फिर नाइल्स हर उस जगह पे जाने लगता है जहाँ पे ये दोनों जाते थे लेकिन सेरा इसे कहीं भी नहीं मिलती। और इसकी खोज ऐसे ही जारी रहती है और ऐसे ही बहुत सा दिन बीतता जाता है और नाइल्स की खोज ऐसे ही जारी रहती है लेकिन उसे सेरा नहीं मिलती। फिर एक दिन बैचलर पार्टी के दौरान नाइल्स होता है मिस्टी के फियोंसी के कमरे में और जैसे ही वहाँ के तकिया के ऊपर ही अपना मुंह रखता है उसे सेरा के शैम्पू की खुशबू आती है और वो समझ जाता है कि एक रात पहले सेरा इस आदमी के साथ थी। इसीलिए नाइल्स सीधा पहुँचता है मिस्टी के पास और उसे सारी बातें बताने लगता है, क्योंकि नाइल्स कहीं ना कहीं सेरा से अटैच हो चुका है इसीलिए उसे इस बात का बुरा लग रहा है। और वो मिस्टी को वो तकिया भी देता है और उसे सारी बातें बताता है और मिस्टी इस बात का विश्वास भी कर लेती है और यहाँ से चली जाती है। और ये सब देखते ही उसका फियोंसी गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो नाइल्स से लड़ने लगता है। और फिर समय ऐसे ही बीतते जाता है और सेरा के ना मिलने पे नाइल्स की हालत खराब होने लगती है। और इसी बीच जब वो एक दिन अपने दोस्त से मिलता है तब उसके सामने रोने लगता है और कहता है कि वो सेरा से बहुत प्यार करता है। और फिर वो पहुंचता है रॉय के पास और कहता है कि तुमने मुझे बहुत दिनों से नहीं मारा, सब ठीक तो है? और रॉय कहता है कि अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगा क्योंकि मैंने जीना सीख लिया है और मुझे पता है कि अब मेरी जिंदगी यही है। और रॉय यहाँ पे अपने पूरे परिवार को दिखाता है नाइल्स को और कहता है कि वो देखो मेरी पोती, मैं इसे कभी भी बड़ा होते हुए नहीं देख पाऊंगा, ये है मेरी सबसे बड़ी परेशानी, ना कि तुम। और रॉय कहता है कि आज के बाद यहाँ कभी भी मत आना क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। और ये सुनते ही नाइल्स कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे आखिरी बार मार दो। और ये सुनते ही रॉय उसे एक तीर मार देता है। और दोबारा सुबह होती है लेकिन इस बार हम सेरा को देखते हैं। और सेरा जैसे ही जगती है हर रोज उसे उसकी बहन की फियोंसी का चेहरा देखना पड़ता है, इसीलिए अपने फियोंसी से कहती है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। और इतना कहने के बाद हर रोज सेरा यहाँ से बहुत दूर चली जाती है और वहाँ जाने के बाद वह क्वांटम फिजिक्स पढ़ती है। और हर रोज सेरा यही कर रही थी इसीलिए वो नाइल्स को नहीं मिलती थी, क्योंकि सेरा अब इस गुत्थी को सुलझाना चाहती है और उसे लगता है कि क्वांटम फिजिक्स में इस सारे सवालों का जवाब है, इसीलिए वो टाइम से रिलेटेड सारी चीजों को स्टडी करती है और वो बहुत सारे प्रोफेसर से बात भी करती है। और जब उसे लगता है कि उसने पर्याप्त जानकारी इकट्ठा कर ली है
तब वो एक बकरी पे एक्सपेरिमेंट करती है। उस बकरी के शरीर के ऊपर बड़ा सा बॉम्ब लगाती है और उसके बाद उस गुफा के अंदर भेज के उसे ब्लास्ट कर देती है। और अब सेरा को लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका है, इसीलिए वो अगली सुबह पहुंचती है नाइल्स के पास और उसे सारी बातें बताने लगती है कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है और मुझे लगता है कि वो चीजें हमें अपने ऊपर भी लागू करनी चाहिए, तभी हम इस चीज से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें नाइल्स के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती और वो कहता है कि जब तुमने उस बकरी को अंदर भेजा तो तुम्हें पता है कि वो बकरी कहाँ गई, और वो कहती है कि उसे पता नहीं। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि अगर हम अंदर जाके ब्लास्ट होते हैं तो हम कहाँ निकलेंगे, और सेरा कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं, क्या पता वो 10 साल बाद बाहर निकले या फिर 20 साल बाद बाहर निकले। और उसके साथ साथ सेरा ये भी कहती है कि जो भी है जैसा है हमारी आखिरी उम्मीद यही है, इसीलिए हमें इसे तो ट्राई करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में इस बात की पुष्टि की गई है कि एक एनर्जी से बाहर निकलने के लिए हमें उससे बड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो बॉम्ब हमें वही एनर्जी देगी। लेकिन नाइल्स कहता है कि हमें यहाँ से बाहर जाने की क्या जरूरत है, सारी चीजें तो हैं यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ से बाहर मत जाओ और मेरे साथ रहो हमेशा के लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन सेरा के लिए अब इन बातों के कोई भी मायने नहीं है, क्योंकि उसे कैसे भी इस लूप से बाहर निकलना है। फिर नाइल्स बताता है कि मुझे पता है कि तुम उस रात मिस्टी के फियोंसी के साथ थी। तब सेरा कहती है कि अगर तुम्हें पता चल गया है तब तुम ये समझ सकते हो कि मेरे लिए कितना मुश्किल है हर रोज उस कमरे में उठना। और इतना कहने के बाद सेरा वहाँ से चली जाती है और फिर वो रात में रिसेप्शन पे अपनी बहन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्पीच देती है, क्योंकि उसे पता है कि उसने अपनी बहन के साथ बहुत ही गलत किया है। और स्पीच देने के बाद जब सेरा यहाँ से जा रही होती है तब उसके पास वही बुजुर्ग महिला आती है जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था, और वो सेरा की स्पीच की तारीफ करती है और उसके बाद कहती है कि आज तुम अपने काम में जरूर सफल होगी, क्योंकि उसने सेरा को किसी से बात करते हुए सुन लिया था जब सेरा फोन पे बात कर रही थी। और तब हमें पता चलता है कि ये औरत भी टाइम लूप में फंसी हुई है और न जाने इसके अलावा और कितने लोग हैं जो इस टाइम लूप में फंसे हुए हैं। फिर दूसरी तरफ हम नाइल्स को देखते हैं जो कि अभी सेरा के साथ नहीं है और वो बहुत दुखी है, और वो बाहर शराब पीते हुए लोगों से बातें करता है और उन्हें बताता है कि वो सेरा से कितना प्यार करता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे सेरा के पास जाना चाहिए और वो वहां से पहुंचता है सेरा के पास और देखता है कि सेरा ने अपने ऊपर बॉम्ब लगा रखा है और वो उस गुफा में जाने ही वाली है। तब वो सेरा के पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं रोज उस दिन को नहीं जी पाऊंगा अगर तुम मेरे साथ नहीं होगी, इसीलिए वहाँ 1000 साल बिना तुम्हारे जीने से अच्छा है कि तुम्हारे साथ मैं यहीं पे मर जाऊँ। और ये सब सुनने के बाद सेरा भी अपने प्यार का इजहार करती है और उसके बाद ये दोनों एक साथ उस गुफा के अंदर जाते हैं और फिर वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और उसके बाद हम सेरा और नाइल्स को फिर से एक स्विमिंग पूल में देखते हैं जिस स्विमिंग पूल में हमने उन्हें पहले देखा था। और नाइल्स यहाँ पे सेरा से कहता है कि इस बार हमें मेरे कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है अपनी पूरी फैमिली के साथ और इन्हें कहता है कि तुम लोग मेरे इस स्विमिंग पूल में क्या कर रहे हो। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इन दोनों ने इस टाइम लूप को तोड़ दिया है, क्योंकि आज से पहले जितनी बार भी ये लोग इस स्विमिंग पूल में आए थे यहाँ पे कभी कोई भी फैमिली नहीं आई थी, यानी कि ये लोग अब उस दिन से आगे निकल चुके हैं। और नाइल्स अपने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो चाहता है कि ये लोग वापस उस टाइम लूप में जाए, क्योंकि वो जिंदगी ज्यादा रोचक थी। और फिर उसके थोड़े समय के बाद हम उसी पार्टी को देखते हैं जहाँ पर रोय जाके नाइल से पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे किसी प्लान के बारे में बताया था, क्या वो प्लान काम कर रहा है। तब नाइल्स उससे कहता है कि आप कौन है, मैं आपको नहीं पहचानता। और रोय समझ जाता है कि इन लोगों ने इस टाइम लूप को तोड़ दिया है, क्योंकि रोय के लिए आज भी नवंबर 9 का डे रिपीट हो रहा है। और जिस नाइल्स को रोय जानता है वो नाइल्स भविष्य में है, आज के नाइल्स को कुछ भी नहीं पता इस चीज के बारे में, क्योंकि लूप तोड़ने के बाद नवंबर 9 वाले नाइल्स को कुछ भी नहीं पता। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।